हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का इस वीडियो पे स्वागत करती हूँ। आज हम पंचमेल दाल बनाएंगे। पंचमेल दाल बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 2 बड़े चम्मच अरहर की दाल, 2 बड़े चम्मच मूंग दाल, 2 बड़े चम्मच चना दाल, 2 बड़े चम्मच उड़द दाल, 2 चम्मच मसूर दाल डालेंगे। सारी दाल डल चुकी है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। सारी दालों को पानी से साफ कर लेंगे। इसका सारा पानी निकाल लेंगे। फिर से दालों में पानी डालेंगे। ध्यान रहे, हम दालों को 2 बार पानी से साफ करेंगे और फिर दालों को पानी में भिगोकर 2 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम इसको 2 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, दाल भी फूल गई है। देखिए, 5 दाल अच्छे से फूल चुकी हैं। अब हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे। अब एक कुकर लेंगे और सारी दालों को कुकर में डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ध्यान रहे हम पानी दाल के लेवल से ऊपर ही डालेंगे, जिसमें सारी दाल अच्छे से डूब जाए। स्वाद अनुसार नमक, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर कुकर को बंद कर देंगे। और धीमी आंच पर 2 सीटी आने तक इंतजार करेंगे। 2 सीटी आ चुकी है, अब हम कुकर को साइड में रख देंगे। अब दाल बनाएंगे, इसके लिए कढ़ाई लेंगे। और उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। अब इसमें 1.5 चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, 2 कटी हुई हरी मिर्च और कुछ कटा हुआ अदरक डालकर इसे चला लेंगे। अब इसमें 1 कटा हुआ प्याज डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें 1 कटा हुआ टमाटर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर,
एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच दाल मसाला और नमक डालेंगे। ध्यान रहे नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हमने दाल में ऑलरेडी नमक डाल दिया है। अब इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको ढककर 2 मिनट के लिए रख देंगे। 2 मिनट हो चुकी है। अब हम टमाटर को अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम दाल को कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसको मिलाकर अच्छे से उबलने देंगे। अब इसको अच्छे से उबलने देंगे। देखिए ये अच्छे से उबल चुकी है। दाल हल्की सी गाढ़ी बनी है, ज्यादा पतली नहीं बनी। अब इसमें कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिला लेंगे। अब गैस बंद कर देंगे। पंचमेल दाल बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसे रोटी या नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।